छोटे निवेशक हमारे सारे चाहने वाले और जो हमें लाइक करते हैं, जो शेयर करते हैं, उनके धन्यवाद। और मैं ये चाहूंगा कि उन गरीबों तक हमारा वीडियो पहुंचाए जो इस समय तुरंत तुरंत मार्केट में नए नए आए हैं, ताकि उनको भटकना ना पड़े, उनको नुकसान से आप बचा सके। ये वीडियो अगर उन तक आप पहुंचाते हैं तो एक देश की सेवा का एक काम जरूर करते हैं कि उन्हें नुकसान से आप बचा सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट जो है वो छोटे निवेशकों को, नए निवेशकों को नुकसान पहुंचाने के लिए ही ये मार्केट की गतिविधियां खड़ी होती है। और मैं एक साइकोलॉजी के साथ एक दो शेयर का नाम आपको बताऊंगा। मेरी साइकोलॉजी के अभी हम सोचते हैं कि छोटे जो हम निवेशक है ये पॉजिटिविटी मार्केट में कहां से लेके आ रहे, क्योंकि चारों तरफ डर का माहौल है और ये डर के माहौल में ये पॉजिटिविटी आपके पास नहीं आती है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, याद क्या रखना है, साइकोलॉजी क्या है, हम शेयर नहीं खरीदते हैं, हम अपने पोर्टफोलियो में शेयर नहीं रखते हैं। आप ऐसा सोचिए कि मैं शेयर पकड़ने जा रहा हूं और पकड़ के जो शेयर ला रहा हूं उसको अपने घर पे रख रहा हूं। यानी शेयर को पकड़ने के लिए आपको कैसा अनुभव करना पड़ेगा, फिर जो शेयर लेके आएंगे पोर्टफोलियो में रखने, समझिए आप पिंजरे में शेयर रख रहे हैं। तो अगर ये दोनों साइकोलॉजी, शेयर को शेयर की तरह समझे आप कि वो पिंजरा में एकदम फड़फड़ाएगा, फड़फड़ाने का मतलब उसमें इतने उतार चढ़ाव आएंगे कि आप पिंजरे को बंद कर दीजिए, कि शेर कितना भी कोशिश करे पिंजरे से बाहर नहीं आवे, क्योंकि शेर किसी भी कीमत में आपका भला नहीं करेगा अगर वो पोर्टफोलियो से बाहर चला गया। और शेर को पकड़ने के लिए भी शेर की गतिविधि को ध्यान रखें, तब आपका डर जो है ये मार्केट में रफू चक्कर हो जाएगा और आप 100% आप पैसा कमाएंगे। शेयर बाजार की दूसरी हमारी रणनीति है कि किसी भी शेयर में बहुत सारे ब्रोकर हाउस कंफ्यूज करते हैं, 3% का प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, 5% पे कीजिए, 10% पे कीजिए, 20% पे कीजिए, 30% पे कीजिए, ना जाने कितने लोग बातें करते हैं। लेकिन शेयर बाजार की एक सॉलिड साइकोलॉजी है कि शेयर अपने शिकार को पकड़ने के लिए 3 कदम आगे बढ़ता है, यानी 3 कदम माने 100%, उसको 3 भाग में बांटिए। पहला आदमी जो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है वो 33% पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करे, दूसरा आदमी जो उससे ज्यादा पेशेंस रख रहा है वो 66% पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करे, तीसरा आदमी जो ज्यादा पेशेंस दिखाता है वो 100% पर प्रॉफिट बुकिंग करे। इसके अलावा कोई भी शेयर बाजार में पूरी दुनिया में कोई थ्योरी नहीं है जो इसके ऊपर लागू होती है। तीसरी थ्योरी, जो मल्टीबैगर बनाना चाहता है, जिनको उसके ऊपर पेशेंस है, उसमें भी शेयर वाली थ्योरी लागू होती है, यानी 100% का 3 भाग, यानी 3 गुना आप अपना प्रॉफिट, 300 गुना, 3 गुना, यानी 9 रुपए की चीज 27 रुपए में आप प्रॉफिट बुकिंग करें। दूसरा उससे भी ज्यादा पेशेंस रखने वाला, तो 3 के बाद में 6 गुना, 6 गुने का मतलब कि आपका 9 का शेयर 55-60 रुपए आ गया, आप निकल जाए। उसके बाद में उससे भी बड़ा टॉपिक आदमी जो 100% यानी 10 गुना, यानी 10 का शेयर 100 रुपया हो गया, आप उस शेयर से निकल सकते हैं। अब इससे ज्यादा रिटर्न के लिए वो थ्योरी की आपको इस समय जरूरत नहीं है, वो भी थ्योरी है हमारे पास, लेकिन उस थ्योरी को आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी छोटे निवेशक है, मैं ये भली भांति वाकिफ हूं कि किसी के पोर्टफोलियो में डबल करने की भी ताकत नहीं है, उसके पहले ही उनकी 3%, 5%, 10% वाली साइकोलॉजी उनके माथे में चढ़ी रहती है। इसलिए मैं ये शेयर वाली साइकोलॉजी आपको लेकर के आया हूं। अब मैं आपको 2-3 शेयर का नाम बताता हूं जिसमें आप एक्युमुलेशन कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, आप खुद का डिसीजन ले सकते हैं, शेयर काफी ग्रोथ है। एक तो मैं लेके आया हूं फिलिप्स कार्बन, जिसका प्राइस 260 रुपया, ब्रेकआउट कर चुका है, सस्टेन कर चुका है, एक बाउंस बैक की तैयारी है, लंबे समय तक आप इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। कारण ये है कि बिजली पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, उसके बिजली के क्षेत्र शेयर की कंपनियों में काफी तेजी आपको देखने को मिली है। ये कार्बन का उत्पादन करती है, हाइड्रोजन पावर बनाने में कार्बन की काफी बड़ी भूमिका है, और कार्बन बनाने वाली, ब्लैक कार्बन बनाने वाली कंपनी इंडिया में बहुत कम है, वर्ल्ड में भी सबसे ज्यादा कम है। इनके प्रोडक्ट की डिमांड नए सिरे का जो तैयारी हो रही है, आर्म्स वगैरह बनाने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक बनाने में इसका काफी योगदान है, लिथियम बैटरी में भी कार्बन की प्रतियोगिता होती है, इसलिए मैं फिलिप्स कार्बन को आपको लेने की सलाह देता हूं। 260 रुपया पर इस पर बाय कीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप बेफिक्र होकर के इसको बाय कर सकते हैं। ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है, 2%, 2.5% का डिविडेंड यील्ड भी है इसके अंदर। इसके साथ में इसका शेयर का दूसरा नाम PCBL लिमिटेड के नाम से भी आता है, मैं पुराना नाम फिलिप्स कार्बन के नाम से जानता हूं। इस शेयरों में आप निवेश कीजिए,
दूसरी शेयर्स है हमारा क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये मैं पहले भी वीडियो में बोला था, इसमें भी निवेश बरकरार रखी है, 1500-1600 के बीच में ब्रेकआउट कर चुका है, 2200-2300 की तैयारी है, लंबे समय भी इसको रख सकते हैं, आप इसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, अच्छा शेयर है, केमिकल से जुड़ी हुई कंपनी है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि नाम में टेक्नोलॉजी लगा है इसलिए टेक्नोलॉजी मत समझे, केमिकल समझे। तीसरा एक छोटी सी कंपनी अंकित मेटल, 5 रुपया पे चल रहा है, इसको एक्युमुलेट करें, 4, 5, 6 के बीच में इसको इकट्ठा करें, आपको 100% के रिटर्न देखने को मिलेंगे, और ये मेटल से जुड़ी हुई कंपनी है, मेटल की साइकिल में रिवाइवल है। और दूसरा ये पूरे शेयर बाजार की मैं जो पूरी थ्योरी है, ये महान साइंटिस्ट आइंस्टीन ने भी कंपाउंडिंग इनकम के द्वारा ऐसा बोला था कि कंपाउंड इनकम से रुपयों का पहाड़ किया जा सकता है। तो आप ये समझे कि कंपाउंडिंग क्या है, आप पढ़े लिखे आइंस्टीन की वित्तीय फॉर्मूला जाके आप गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। कंपाउंडिंग शेयर खरीदने का मतलब कंपाउंडिंग होता है, कंपाउंडिंग से आप टाइम दे करके रुपयों का पहाड़ खड़ा कर सकते हैं। नमस्कार, हमारे वीडियो में बने रहिए।